नमस्कार उर्मिला जी। नमस्कार खुशी जी। मैं एक और आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है ओके, मुझे भी आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। कैसी हैं आप? अच्छी हैं? जी बेटा आपका ठीक है? जी ओके, कहिए आज क्या सवाल लेके आई हैं? जी मैं क्वेश्चन के साथ आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके कमेंट बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसका कि आंसर आपने नेगेटिव दिया था। क्वेश्चन कुछ यूं था, किसी ने आपसे ये पूछा था कि उनके जो गुरु हैं उन्होंने उनको ध्यान करने के लिए ये बताया था कि वो आज्ञा चक्र पर उनका ध्यान करें, उसके लिए आपने उनको मना किया था, तो उस बारे में मैं विस्तार से जानना चाहूंगी, तो कृपया इस बारे में बताएं। मैंने उनको डायरेक्टली मना नहीं किया, जी मैंने बस उनको एक साइन दिया कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसा ऐसा गुरु कहते हैं हमारे, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ उनको एक इंडिकेशन दिया कि आज्ञा चक्र पे जब जब भी हम ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र का ध्यान बहुत काम करता है ना, एक मैजिकल, एक तरह से कहें तो अनबिलीवेबल पावर्स रखता है। तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर आपको, एक तो आज्ञा चक्र पे किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए, अगर आप कर भी रहे हैं तो कम से कम किसी इंसान का नहीं करना चाहिए, इसीलिए कि अगर इंसान ठीक हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंसान के मन में अगर थोड़ा भी गलत हो और आप जिसका ध्यान कर रहे हो उसके अंदर, वो आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। अगर आप आज्ञा चक्र पे, आपका गुरु आपको कह रहा है कि, क्यों नहीं आपका गुरु कह रहा है कि परमात्मा का ध्यान करो, जी है ना, गुरु को ये कहना चाहिए आप परमात्मा का ध्यान करो। किसी अगर आप भक्ति मार्ग के ही हो तो कृष्ण का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, तो उनके ध्यान करने से आपको कभी कुछ नुकसान या प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गुरु का ध्यान करने से, अगर गुरु ठीक है, अगर उनकी मंशा गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हम नहीं जान सकते, है ना। तो गुरु अगर अपना ध्यान करने के लिए कह रहा है तो वो आपको हिप्नोटाइज कर सकता है इस हद तक कि फिर आप उनकी हर बात आंख बंद करके मानोगे। और बहुत ऐसा हो रहा है, बहुत सारे, क्योंकि जिनको थोड़ा सा भी तंत्र वगैरह का जो अकल्ट साइंस होती है, थोड़ी सी उनकी जानकारी है, वो बहुत आसानी से लोगों को, जो हम देखते हैं कि भीड़ लगी रहती है सो कॉल्ड ढोंगी बाबा, बाद में जब समझ में आता है, न्यूज़पेपर में आने लगते हैं कि अरे ये तो ढोंगी, और लाखों की भीड़ रहती है उनके पीछे। तो भीड़ रहने का साइंस यही है कि वो उनको ध्यान जो है वो अपना ध्यान करवाते हैं, और उसके बाद वो टाइप ऑफ हिप्नोटाइज उनको कर देते हैं, जिसके बाद वो अंधों की तरह उनकी हर बात पे बिलीव करते हैं बिना कोई क्वेश्चन किए। वैसे ही धार्मिक लोग जो होते हैं, धर्म पर बहुत ज्यादा आस्था रखने वाले, अगर पॉजिटिव आस्था है तो बहुत अच्छा, लेकिन अंधों की तरह जो आस्था रखते हैं वो कुछ कुछ नहीं सोचते, कोई क्वेश्चन नहीं राइज करते ये सही हो सकता है कि गलत हो सकता है, ऐसा करें तो क्यों करें, नहीं करें तो क्यों नहीं करें, अंधों की तरह मानते हैं। ऊपर से इस तरह के गुरु जो है वो आपको आज्ञा चक्र पे आपको अपना ध्यान करने के लिए कहते हैं, और इससे वो आपको अपने काइंड ऑफ हिप्नोटाइज करते हैं, जिस वजह से आप उनकी बातें मानते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उनकी बात क्यों मान रहे हो, क्योंकि आज्ञा चक्र पे आप जिसको भी ध्यान करोगे वो आपके अंदर समा जाएगा इस तरह से कि आपको लगेगा कि वही सब कुछ है आपके लिए, है ना। इसलिए अगर कोई गुरु अपना ध्यान करने के लिए कह रहा है तो एक बार क्वेश्चन अपने आप से जरूर अराइज कीजिएगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। अगर गुरु पे आपको पूरा विश्वास है एकदम कि आपके गुरु आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर, गलत मत फंस जाइएगा, बस मेरा यही है। मैं किसी के गुरु को अच्छा या बुरा नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन, जो जिन्होंने पूछा, अगर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो कहीं ना कहीं उनके मन में क्वेश्चन मार्क है। अगर जिनको भरोसा होता है, अंध भरोसा होता है, वो तो कर जाते हैं और भुगतते हैं और सब कुछ झेलते हैं, किससे पूछने नहीं जाते हैं, पूछा है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोई क्वेश्चन है तो उस पे और उसको थोड़ा गाढ़ा करके और गहरा करके पूछिए। अगर कोई गुरु कह रहा है कि
कि किसी का ध्यान करो, तो क्यों नहीं वो किसी देवता का ध्यान करने के लिए कहता है, परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहता है, अपना ध्यान क्यों करवा रहा है? वो खुद को देवता समझ रहा है, क्यों करवा रहा है? कोई इंसान अपना ध्यान क्यों करवा रहा है किसी को? और भी चीजें ना ध्यान करने के लिए, देवता है, परमात्मा है, भगवान है, भक्ति मार्ग में बहुत सारे भगवान है। आप शिव जी का ध्यान करवाइए, राम का ध्यान करवाइए, कृष्ण का ध्यान करवाइए, अपना ध्यान क्यों करवा रहे हो? वो भी आज्ञा चक्र से खतरनाक है जी। सोचना पड़ेगा ही करने से पहले, और सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।